साथियों, संत रविदास जी की जन्मस्थली करोड़ों लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का स्थल तो है ही, और यहां के सांसद के नाते, आपके प्रतिनिधित्व के नाते मेरा यह सौभाग्य है कि इस पवित्र धरती की सेवा करने का कुछ मुझे भी सौभाग्य मिला है। भारत के सामाजिक जीवन को दिशा देने और प्रेरित करने वाली ये भूमि है। संत रविदास जी के विचारों का विस्तार असीम है। उन्होंने जो दर्शन दिया है वही सही जीवन जीने का रास्ता, और वह भी बहुत सरल तरीके से दिखाता है। रविदास कहते हैं, ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। यानी गुरु जी ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां बिना किसी भेदभाव के सबकी मूल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। साथियों, केंद्र की सरकार बीते 4.5 वर्ष से इसी भावना को पूरी ईमानदारी से जमीन पर उतारने की भरसक कोशिश कर रही है। सबका साथ सबका विकास और विकास की पंचधारा यानी बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, यही सुनिश्चित करने में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जुटी हुई है। अब से कुछ देर बाद ही मैं बनारस में 2 कैंसर अस्पतालों सहित अनेक स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करने के लिए भी जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त वाराणसी और पूर्वांचल का जीवन आसान बनाने वाली दूसरी अनेक परियोजनाएं भी आज से शुरू हो रही है। इन सभी सुविधाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को समान रूप से मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार का हर कदम, हर योजना पूज्य श्री गुरु रविदास जी की भावना के अनुकूल है। गरीब परिवारों को पक्के घर, हर घर को अपना शौचालय, हर परिवार को उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर, गरीब को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन, गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक मुफ्त का इलाज, गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं को बिना गारंटी बैंक से मुद्रा योजना के तहत ऋण, किसान के खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना, और अब देश के लगभग 12 करोड़ गरीब किसान परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपये की सीधी मदद, और ये तो अभी शुरुआत है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो समाज के उस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए चलाई जा रही हैं, जो हमेशा से उपेक्षित रहे, वंचित रहे।